सदर से बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। रवि गौतम का पिछले दिनों बीएसपी की तरफ से यहां पर टिकट काट दिया गया था और उसी समय कयास लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा चेहरा बीएसपी के अंदर शामिल हो सकता है और बीएसपी से चुनाव की टिकट है वो ले सकता है। और इसी बीच बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पहले रवि गौतम को गाजियाबाद सदर की टिकट देकर पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन अब पार्टी की तरफ से रवि गौतम की जगह परमानंद गर्ग को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए परमानंद गर्ग को आते ही पार्टी की तरफ से पार्टी का बता दें कि विधानसभा गाजियाबाद सदर से प्रभारी यानी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी के यहां पर मंडल के प्रभारी शमसुद्दीन रायनी के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया। पहन मायावती जी से उनकी परमानंद गर्ग की है वो मुलाकात करवाई, मुलाकात करने के बाद उन्होंने फाइनल यहां पर फैसला लिया और फाइनल फैसला लेने के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें गाजियाबाद सदर यानी परमानंद गर्ग को गाजियाबाद सदर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रवि गौतम जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो निर्दलीय अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे गाजियाबाद सदर की सीट पर। यह बड़ी अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए गाजियाबाद जो सीट है गाजियाबाद सदर की वहां से परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे पिछले दिनों ही यहां पर रवि गौतम को, जिनको 3-4 महीने पहले टिकट दिया था, उनका टिकट काट दिया था। तभी से लगा था कि यहां पर नया प्रत्याशी कोई आने वाला और यहां पर प्रत्याशी परमानंद गर्ग को एक बार बना दिया है। आगे आपको बता दें कि चुनावों की तारीख आती है तब तक क्या परमानंद गर्ग रह पाते हैं या कोई और चेहरा